हरक सिंह के आने से खड़कती है खिड़कियां, हरक सिंह के जाने से खड़कती है खिड़कियां। ना कोई आगे से, ना कोई पीछे से, ना कोई दाएं से, ना कोई बाएं से। हरक सिंह रावत के करीबी कहते हैं कि हरक सिंह रावत को कोई हरा नहीं सकता, ना आगे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से। हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेसी हो गए। कांग्रेस में हरक सिंह रावत का आना उत्तराखंड की सियासत के मायने क्या है? विवादों से पुराना नाता रहा हरक सिंह रावत का, लेकिन हरक सिंह रावत वो नेता है जो ठोक बजाकर कहते हैं कि सीट कोई भी हो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। इस बार डोईवाला, लैंसडाउन या फिर केदारनाथ, सवाल कई हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द सवाल वो अहम गुम हो जाता है जिसका जिक्र बहुत जरूरी है। सवाल यह कि हरक सिंह रावत क्या एक बार फिर से उस आवाम को दगा दे पाएंगे जिस आवाम ने उनको हर बार सूबे की पंचायत में, जो सूबे की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें यह विश्वास के साथ भेजा कि हरक उनकी विधानसभा का विकास करेंगे। कोटद्वार की जनता के साथ क्या यह धोखा नहीं? रुद्रप्रयाग की जनता के साथ धोखा नहीं जहां से वो चुनाव लड़े थे? हर बार सीट बदलकर और दल बदलकर हरक सिंह रावत क्या साबित कर रहे हैं? क्या ये उत्तराखंड की आवाम का अपमान नहीं? आज आंसू छलका रहे हैं, चुनाव जीतेंगे और 5 साल उनकी विधानसभा की जनता आंसू छलकाएगी। याद कीजिए 2012 तो छोड़िए, याद कीजिए एनडी तिवारी का दौर, जैनी प्रकरण में नाम आया, विवाद शुरू हुआ। जैनी प्रकरण फजीहत हुई सरकार की, जैनी प्रकरण खत्म हुआ तो 2012 का दौर याद कीजिए। सीएम नहीं बने तो बोला कि मंत्री पद मेरे जूते की नोक पर। वक्त आया 2013 का, दुष्कर्म का आरोप लगा मेरठ महिला ने, आरोप लगाया, मुकदमा रफा दफा हुआ और फिर 2016 में फिर सामने आया यही मसला दुष्कर्म का। 2016 का दौर आया, 2016 में कांग्रेस से बगावत की, सदन के भीतर बागी विधायकों की फौज के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तब भी उत्तराखंड की लोकतंत्र का अपमान था, और क्या आज भी उत्तराखंड की लोकतंत्र का अपमान नहीं? जनता चुनती है विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, इनका सपना है मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या इस बार जनता उन्हें माफ करेगी? क्या ये आंसू न्याय के हैं या सिर्फ आंसू जैसे कि बीजेपी नेता कहते हैं नौटंकी बाज हरक? खैर इनके नौटंकी के किस्से तो कई हैं, लेकिन अब जनता को तय करना है कि आखिरकार हरक की हैकड़ी बीजेपी ने निकाल दी, लेकिन क्या हरक सिंह के जाने से फिर खड़केंगी खिड़कियां, और आने से क्या खड़केंगी खिड़कियां? क्योंकि बीजेपी के वो कैडर नेता बात काफी खुश है जो कल तक उनको देखकर आंसू बहाया करते थे कि बाहर से आए मौज काट रहे, उनका हक मान लिया। खैर अभी ये उत्तराखंड की सियासत है, आगे आगे देखिए होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।